सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चवहंके फिर से नफरत भरी टिप्पणी करते हुए नजर आए। एक सभा का आयोजन किया गया था दिल्ली के बदरपुर इलाके में, वहां पर खास तौर से वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणी करते हुए दोबारा से नजर आए हैं। इस इवेंट पर जिसे एक जनसभा और हनुमान चालीसा के पाठ का नाम दिया गया, वहां पर मौजूद थे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और उसके साथ साथ 2020 के दंगे के समय से प्रचलित हुई एक तरह से रागिनी तिवारी। हम आपको बताएंगे कि क्या बोला सुरेश चवहंके ने और उसके साथ साथ कि किस तरह से लगातार वो इसी प्रकार की टिप्पणी करते आए हैं, इसी तरह की टिप्पणी करते हुए आए हैं, पर उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। तू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में हमारे भगवान का साक्षी मानकर क्या मेरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा, तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। इस सभा में चवंके ने बताया कि किस तरह से बदरपुर जहां पर ये सभा हो रही थी वो दरअसल लव जिहाद का एक गढ़ बन गया है, यानी कि एक एपिसेंटर बन गया है। वो बता रहे थे कि किस तरह से 70 से ज्यादा मामले लव जिहाद के बदरपुर से सामने आए हैं और उनका ये कहना था कि मुसलमान मर्द किस तरह से हिंदू लड़कियों को अपनी तरफ रुझा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। चवहंके ने जो ऑडियंस में मेंबर्स थे, खासतौर से वो लोग जो माँ बाप थे जिनके साथ बच्चे थे, उन्हें ये कहा कि उन लोगों को अपने बच्चों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार कर लेना चाहिए, उन्हें प्रिपेयर कर देना चाहिए कि किस तरह से उन्हें हिंदू राष्ट्र की इस लड़ाई में सामने आना है और उसके लिए तत्पर रहना है। वो ये बताने लगे कि किस तरह से वो जिहादियों का, जिसका मतलब है मुसलमानों का, टारगेट बन जाएंगे, इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हिंदू राष्ट्र बनाने की नसीहत देने के साथ साथ खास तौर से चवहंके ने मुसलमान महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि वो एक ऑफर लेकर के आए हैं मुसलमान महिलाओं के लिए कि उन्हें हिंदू आदमियों से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनाएंगे और उसके साथ साथ कभी भी उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। कि चवहंके ने मुस्लिम महिलाओं को ये नसीहत दी और इस तरह की टिप्पणी उनके खिलाफ की, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ पर पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार इस तरह की टिप्पणी चवंके करते हुए नजर आए। उन्होंने इस सभा में ये तक कहा कि यूपीएससी जिहाद की स्टोरी जिसे उसके चैनल ने चलाया था, प्रचलित किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाने को और बैन करने का एक ऑर्डर दिया था, उस पर वो गर्व रखते हैं, उसके लिए वो प्राउड हैं। इस तरह की बातें उन्होंने इस जनसभा में की। आप लोगों को ये बात बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चवहंके जिस तरह की हेट स्पीच दे रहे हैं, जिस तरह की दक्षिणपंथी और मुस्लिम विरोधी टिप्पणी दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। इस साल के मई के महीने में भी इसी तरह की हेट स्पीच और शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक शपथ ली जा रही थी, उसे बनाए रखने के लिए जिस तरह के बलिदान की ज़रूरत है, चाहे वो बलिदान लेना पड़े या देना पड़े, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह पे भी की थी। और इसी समारोह में मौजूद थे बीजेपी के एमएलए असीम गोयल भी, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में एक हिंदू की तरह मौजूद हैं, ना कि एक बीजेपी एमएलए की तरह। आप लोगों को ये बता दें कि इस तरह की हेट स्पीच की प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चवहंके को फटकार लगाई थी, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई थी। दिसंबर 2021 के महीने में भी अंबाला में इसी तरह का एक शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित किया गया था, जिसके बाद एक एफिडेविट भी फाइल किया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि चवहंके की टिप्पणी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि हेट स्पीच के तौर पर क्वालिफाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद एक नए एफिडेविट को मई के महीने में, यानी कि मई 2022 के महीने में फाइल भी किया गया था और फिर एक एफआईआर चवहंके के खिलाफ भी की गई थी। बुराड़ी, अंबाला और ऐसी अन्य जगहों पर चवहंके लगातार इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं।
इससे पहले मुजफ्फरनगर के दंगे के समय पर भी उनके चैनल ने कई ऐसी स्टोरीज चलाई थी जिसको करार दिया गया था कि वो दरअसल हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं। 2017 में सुदर्शन टीवी ने एक ऐसी खबर चलाई जिसमें एक बांग्लादेशी आर्टिस्ट को रोहिंग्या करार दिया गया और इसके साथ साथ कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें लगातार सुदर्शन टीवी एक तरफा नैरेटिव दिखाता हुआ नजर आया है। पर बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि किस तरह से चवहंके के खिलाफ फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और इतने सारे मामलों के बावजूद लगातार नफरत भरी टिप्पणी के बावजूद आखिर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है जो बहुत से लोग उठा रहे हैं।